फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लॉगर से अपनी वेबसाइट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, चाहे आप माइग्रेट कर रहे हो या फिर नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हो, उसका तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी ब्लॉग के ऊपर से किसी भी, अगर आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं उस आर्टिकल के नीचे किसी किसी के यहाँ पर आपको टैग शो कर रहे होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये टैग किसी और को शो करे, क्योंकि हम टैग्स बहुत मेहनत करके ढूंढ के यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं, फोकस कीवर्ड्स जो होते हैं, वो हम ढूंढ के यहाँ पे लिखते हैं, और अगर उसी को कोई कॉपी कर ले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको यहाँ से हटाना होगा। हर थीम का एक अलग रूल होता है, किसी थीम के ऊपर ये जो टैग्स हैं वो नहीं दिखते हैं, किसी के ऊपर दिखते हैं। किसी किसी का तरीका बहुत ईजी होता है, आप उसको जाकर के वहां से जो कस्टमाइजेशन होती है हमारी, यहाँ पे आता है आपको टैग्स का ऑप्शन, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। पर इस वाली जो थीम के अंदर है, ये क्यूब थीम नाम से ये जो टेम्पलेट है वो मैंने यूज किया है वर्डप्रेस के ऊपर, और इस वाली थीम में ये वाला ऑप्शन है नहीं इसको हटाने का। तो इसको हम हटाएंगे एक CSS के कोड से। उस कोड को आप किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला कोड हर वेबसाइट पे वर्क करेगा, बस आपको देखना होगा प्रॉपर मेथड, वो आपको मेथड ठीक से सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे क्या करना है जो ये टैग यहाँ से हट जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इस वाले पेज के ऊपर आपको प्रेस करना है F12। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल F12 से हो जाता है, नहीं तो आपके पास एक FN बटन होगा, FN के साथ आपको F12 दबाना है। F12 प्रेस करने के बाद आपको ये जो एरो बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लेके जाना है आपको जहाँ पे भी चेंज करना है। यहाँ पे टैग्स लिखा हुआ, वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेन टैग्स लिंक्स, आपको इस पेन टैग्स लिंक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और सामने आएंगे आप यहाँ पे तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे सिंगल एंट्री फुटर पैन का ऑप्शन आएगा। तो इसको आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको फिर जाना है यहाँ पे, इसको आप क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद आप जाइए यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन में, जो आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, और आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे ये टैग्स जो है वो दिख रहा है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और बीच में लगा इसको एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आपको चीज लिखनी है डिस्प्ले, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे सेमी कॉलन, और फिर से आपको यहाँ पे लिखना है नन, और फिर से ये करते ही आपका यहाँ जो टैग्स है वो दिखना बंद हो चुका है। नन को मैंने हटाया तो आप देखेंगे ये वापस से आ चुका है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी आप देखेंगे टोटली यहाँ से गायब हो चुका है। फिर से देख लेते हैं, ये देखिए इसको हटाते यहाँ पे आ चुका, और फिर से इसको टाइप कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अभी इसको होने के बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है। तो ये सिंपल वे है किसी भी ब्लॉग थीम के अंदर से आपको जब भी टैग्स रिमूव करना हो आपको वही करना है, आपको F12 प्रेस करना है, एलिमेंट्स को चेक करना है, वहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उसके राइट साइड में आपको उसका जो भी कोडिंग रहेगा वो दिख जाएगा स्टाइल के अंदर, वो स्टाइल आपको कॉपी करना है और लेके जाना है आपको अपने एडिशनल CSS में उसको पेस्ट कर देना है, और फिर डिस्प्ले नन वाला जो आपको टैग कोडिंग है वो वहाँ पे डाल देनी है, तो वो जो भी टैग्स आपको दिख रहा है वो टैग वहाँ से हट जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप आज की वीडियो की हेल्प से किसी भी थीम के अंदर से आप ये टैग्स ऑप्शन जो है उसको हटा पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।